किसी को, लोग तो उससे तेरा मजाक भी उड़ाएंगे, और जब तुम हंसते हो तो जुमाना तुम्हारे साथ हंसता है, और जब तुम रोते हो तो जुमाना तुम्हारे साथ नहीं रोता। इसलिए ये आंसू बड़े कीमती हैं, वही बहाओ जहां शान करीमी मोती समझ के चुन ले। यूं ज़ाया न करो, यूं इनको बर्बाद न करो, लोगों के सामने रुसवा न करो अपने आप को। तो सब्र के दामन को थामो, एक तो तलकीन ये की गई, और दूसरा कहा वस्सलात, और नमाज के साथ अल्लाह से मदद तलब करो। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी मुश्किल में मुबतला होते तो हुजूर नमाज के लिए खड़े हो जाते, और मैंने खुद कई मरतबा तजुर्बा किया है, जब कोई तकलीफ़ पैदा हो तो आप नमाज पे खड़े हो जाएं, तकलीफ़ में तख्वीफ पैदा हो जाती है। और बदर से सख्त दिन क्या हो सकता था, जब काफिर पूरे लाओ लश्कर के साथ आ गए, और हुजूर के लिए अरीश एक छप्पर बना दिया गया, और आका कहीं वहाँ मुसल्ला बिछाए हैं और रब के हुजूर खड़े हैं। मुश्किल के वक्त जब कोई सबब न रहे तो उसके हुजूर आ जाओ, वो तुम्हारी ज़रूरतों का कफ़ील है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिऊन, और ये बहुत भारी है नमाज पढ़ना और सब्र करना, लेकिन जो अल्लाह का खौफ सीने में पालने वाले लोग हैं, रखने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं, इनके लिए भारी नहीं है। खशियत खुदा सीने में नहीं है, अल्लाह का खौफ सीने में नहीं है, तो वाकई सुबह का उठना बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो खशियत वाले हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये मान लिया कि सुबह का उठना, सहरी का उठना नफ्स पर शाक है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी की लज्जत इसमें रख दी गई हो, अल्लाह अकबर, तो फिर उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगा। राह खुदा में तकलीफ़ उठाना मुश्किल सही, लेकिन